A, B, C, D, E, F, sharp and उसके बाद तो G आता है, वो तो हम लोगों को पता ही है। तो फिर ये हो गया G major scale का notes। अभी सब लोग ध्यान से सुन लो, जो मैंने notes, जो scale का जो मैंने notes बोला ना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि what is the name of one sharp scale, ठीक है, तो one sharp scale का नेम क्या है जहाँ पे एक sharp होता है, तो ये एक हो सकता है G major scale, इसको one sharp scale बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही sharp है, ओके, बाकी सब नेचुरल नोट्स है। अभी नेक्स्ट फिर आ जाता है कि हाउ मेनी नोट्स इन बी माइनर स्केल, तो बी माइनर स्केल में कितना नोट्स है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोगों को पता है बी माइनर स्केल में 7 नोट्स होता है, तो क्योंकि हर एक स्केल में 7 नोट्स ही होता है। अभी बी माइनर स्केल में जो 7 नोट्स है उसमें से जो 7 नोट्स कितना है, नेचुरल नोट्स कितना है, वो तो मैं बाद में आता हूँ क्या है, लेकिन अभी गेस करो कि यहाँ पे कितना नोट्स, जो 7 नोट्स है, 7 नोट्स का नाम क्या है। सबसे पहला नोट्स हम लोगों को सभी को पता है कि बी तो होगा, पर उसके बाद क्या होगा, तो सभी ने गेस कर लिया। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या नेक्स्ट नोट क्या आता है। उसके बाद आएगा सी शार्प, ओके, फिर उसका डी, देन ई, फिर उसके बाद आएगा एफ शार्प, और फिर उसके बाद आएगा जी, फिर उसके बाद आएगा ए, और फिर तो बी आता है। अभी देखो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्केल है जहाँ पे 2 शार्प रहता है, ठीक है, या फिर सोचो कि कोई प्रैक्टिकल एग्जाम बोला कि 2 शार्प स्केल एक बजा के सुनाओ, ठीक है, तो बी माइनर स्केल हो सकता है जहाँ पे 2 शार्प रहता है, सी शार्प एंड एफ शार्प, ओके, तो ये हो गया बी माइनर स्केल। नेक्स्ट फिर आता है इसके बाद यहाँ पे अच्छा अब ये आ गया हाउ मेनी नोट्स और दिस कोर्स मेड ऑफ, अच्छा ओके चलो, तो जी मेजर, ई माइनर और सी मेजर, इसमें से कौन कौन सा नोट आता है ये हम लोगों को ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी मेजर में, ठीक है, तो जी में अभी यहाँ पे मैं एक चीज बोल देता हूँ कि हर एक कॉर्ड में यहाँ पे जी मेजर हो, ई माइनर हो, सी मेजर हो, कोई भी हो, यहाँ पे सिर्फ 3 ही नोट्स होगा, ठीक है। जैसे जी मेजर जो अगर कॉर्ड हो गया ना, तो जी मेजर कॉर्ड का सबसे पहला जो नोट आता है वो होता है जी, ओके, फिर उसका क्या होता है बी, और फिर उसके बाद क्या होगा सी या डी, यस, जिसने गेस किया डी वही सही है। तो जी मेजर कॉर्ड का जो तीनों नोट होगा जी, बी एंड डी, ओके। अभी नेक्स्ट आते फिर ई माइनर, ई माइनर में कौन कौन सा नोट होगा, तो सबसे पहले ई होगा, फिर उसका जी होगा, फिर उसका बी होगा, ये होगा ई माइनर कॉर्ड का नोट। अभी आते सी मेजर, ये तो मतलब बहुत ईजी है, सी मेजर कॉर्ड, तो सी मेजर कॉर्ड का नोट क्या होगा, सबसे पहले सी, फिर उसके बाद यस ई, फिर उसके बाद जी, गुड, तो हो गया 3 नंबर वाला क्वेश्चन। अभी यहाँ पे आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मेजर एंड ए माइनर कॉर्ड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो डिफरेंस अगर हम लोग कर, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि ए मेजर और ए माइनर ये जो कॉर्ड्स यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बोलूं ए मेजर कॉर्ड का जो नोट क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले एक होता है ए, फिर उसका होता है सी शार्प, और फिर उसका होता है ई, ये हो गया ए मेजर कॉर्ड, ठीक है। अगर ए माइनर कॉर्ड में आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है ए, ठीक है, फिर सी, फिर ई, मतलब क्या डिफरेंस हो गया, जो थर्ड मतलब यहाँ पे जो नोट है, मतलब रूट और जो माइनर थर्ड, और यहाँ पे परफेक्ट फिफ्थ है, और यहाँ पे रूट मेजर थर्ड एंड परफेक्ट फिफ्थ है, तो थर्ड जो ये वाला नोट आ गया ना, तो ये देखो यहाँ पे सी हो गया, तो और यहाँ पे सी शार्प हो गया, ठीक है, ये हो गया ए माइनर, ठीक है। तो क्या अंतर है दोनों में, दोनों में सिर्फ एक ही नोट का अंतर है, वो है सी, ए मेजर में सी शार्प नोट आता है और ए माइनर में सी जो नोट है वो आता है, ठीक है, तो मेजर और माइनर कॉर्ड में यही अंतर है, बाकी देखो सब सेम है, यहाँ पे भी ए है, वहां पे भी ए है, यहाँ पे भी ई है, वहां पे भी ई है, तो अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन ए मेजर एंड ए माइनर, The note is C and C sharp. Okay. Next, what is the relative minor of C? बहुत ही easy है. Relative minor C का होगा, C major का होगा, A minor chord. ठीक है? C major chord का relative minor chord होता है A minor. Okay. So done. Submit कर देता हूँ.